दोस्तों कोविड-19 संक्रमण को लेकर नींद में सोया चुनाव आयोग आखिरकार जाग गया है। कोलकाता में चुनावी रैलियों रोड शो में कोविड व्यवहार का सख्ती से पालन कराने के लिए आयोग ने कदम उठाया है। सभी जिला अधिकारियों को इसके लिए सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और जरूरी होने पर धारा 144 लगाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं 16 अप्रैल को आयोग ने कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि दलों के नेताओं से कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की जा सके। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 का संक्रमण फैल रहा है। अकेले कोलकाता में 8600 के करीब कोविड-19 से संक्रमित लोग हैं। 25 परगना में 7000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 29050 कोविड के संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटे में 2500 से अधिक नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 20 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। इस तरह से अब तक 10343 लोग कोविड संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में अब तक 83,45,000 से भी ज्यादा लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें से 73,28,000 लोगों को टीके की पहली और 10,17,000 को दूसरी डोज लग चुकी है। वहीं चुनाव आयोग की इस सक्रियता पर टीएमसी के वरिष्ठ नेता ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी ने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। वहीं टीएमसी के एक अन्य नेता ने कहा कि चुनाव आयोग का शुरू से अजीब रवैया रहा है। चुनाव आयोग जैसे लगता है भाजपा के हिसाब से काम कर रहा है। उसे याद 4 चरणों के मतदान के बाद आई है। सूत्र का कहना है कि मीडिया को पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराए जाने पर शोध करना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही जिले में 3 चरणों में मतदान हुआ है। टीएमसी नेता का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कोविड के संक्रमित मार्च से ही मिल रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष देवाशीष का कहना है कि आदमी का जीवन अधिक कीमती है, संक्रमण काफी पहले से फैल रहा है, इसीलिए चुनाव आयोग ने जो कदम अब उठाना शुरू किया है उसे पहले उठाना चाहिए था। देवाशीष मिश्रा का कहना है कि चुनाव प्रचार का समय कम करने, लोगों में कोविड व्यवहार का पालन कराने से संक्रमण कम फैलेगा, लोगों की जान बचेगी। इस बार का संक्रमण बच्चों को निशाना बना रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि जहां शुरू में मतदान हुआ वहां के उम्मीदवारों को प्रचार का समय कम मिल पाया था, इसीलिए चुनाव आयोग उस समय खास सख्ती करता नजर नहीं आ रहा था। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के कदम से लगातार नाराज चल रही है। वह चुनाव आयोग के 8 चरणों में मतदान की घोषणा से लेकर खुद के कूच विहार जाने से रोक और 24 घंटे तक प्रचार अभियान पर रोक समेत कई निर्णयों पर आपत्ति लगा चुकी है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के इस निर्णय पर भी ममता बनर्जी की तल्ख प्रतिक्रिया आ सकती है। वहीं टीएमसी के रणनीतिकारों का कहना है कि पहले 3 चरण के मतदान भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्र में हुए हैं, लेकिन चौथे चरण के मतदान से चुनाव टीएमसी के गढ़ में प्रवेश कर रहा है। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।